गाइस नमस्कार, मेरा नाम राजू है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। जो वीडियो देखिए वीडियो को बनाने से प्रोफेशन देखा वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखा, थोड़ा सा वीडियो को स्किप नहीं करना है और वीडियो को लाइक नहीं करती वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल दे भेजा ताकि वीडियो डालते जाए नोटिफिकेशन मिल रहे। इतना तरह से प्रोजेक्ट यूज हुआ है, सारा चीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लिया अभी फ्री में और फ्री में डाउनलोड करके आपको यूज कर सकते हैं। तो चलिए बिना बकवास करते बिना इंट्रो को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैन मास्टर को ओपन करना है, ओपन करना है प्लस करना क्लिक करें, क्लिक करना 60.9 रेशियो को सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करना कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको देखिए यहाँ से बैकग्राउंड इमेज को सेलेक्ट करना होगा, इसमें देखिए जितना सारा प्रोजेक्ट यूज हुआ है सारा चीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड करिए, डाउनलोड करके इसको यूज कर सकते हो फ्री में। तो सबसे पहले यहाँ से बैकग्राउंड इमेज को सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करके हम ओके कर देना। ओके करने के आपको लेयर को बढ़ा देना, जितने तक वीडियो बनाना चाहते हैं लेयर को बढ़ा देना, इसको हम 20 सेकंड तक इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह से ले लेना, लेने के बाद क्या करना आपको देखिए जो बैकग्राउंड इमेज हो इसको देखिए दोनों तरफ से कट हो रहा है, ठीक है। इसको क्या करना आपको पूरा फुल स्क्रीन करना है, फुल स्क्रीन करने के लिए आपको इस पर क्लिक करिए, इस जगह पर क्लिक करना क्या करना आपको इस तरह से दो फिंगर से आपको इस तरह से पूरा फुल कर देना, ठीक है। इस तरह फुल कर दिए, फुल करने के बाद यहाँ देखिए प्लस का आइकन दिख रहा है इस पर दो लाइन वाला, इस पर आपको क्लिक कर देना, क्लिक करके ओके कर देना, ठीक है। ओके कर दिए, ओके करने क्या करना आपको फिर से वीडियो के फर्स्ट में जाइए। अब वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, थोड़ा सा भी वीडियो का स्किप नहीं करना है और यहाँ से लेयर क्लिक करिए, यहाँ से मीडिया आप क्लिक करिए और यहाँ देखिए जो बॉर्डर वाला जो देखिए इमेज है इसको यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा, डाउनलोड कर लिया इसको इस तरह से पूरा इस तरह से कर देना, लेयर को लास्ट तक बढ़ा देना है। इसको नीचे ना ब्लेडिंग का ऑप्शन देखिए, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से स्क्रीन को सेट कर देना, सेट कर दिए। सेट करने के बाद क्या करना आपको इसको हम इस जगह पर लगाएंगे, ठीक है। चार्ज को थोड़ा सा बड़ा कर दिए, चलिए इतना सही है, इतना बड़ा इसको कर देना है। करने के बाद इसको हम इस जगह पर लगा देंगे, ठीक है। आपको इस जगह पर लगा देना है, लगाने के बाद क्या करना आपको फिर से इसी पोजीशन पर रहना है और यहाँ से लेयर क्लिक करना है, मीडिया क्लिक करना है और मीडिया क्लिक करने के बाद क्या करना आपको यहाँ से देखिए जो वीडियो दिख रहा है, देखिए जो धुआं वाला जो वीडियो उसके यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट करके नीचे आना है और यहाँ से देखिए आपको एक ब्लडिंग ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करिए, यहाँ से इसको भी स्क्रीन कर देना, ठीक है। आपको स्क्रीन कर देना है, स्क्रीन करने के बाद क्या करना आपको फिर से इस पर क्लिक करिए और यहाँ से आपको यहाँ से क्रॉपिंग आइकन इस पर क्लिक करिए, स्विच ऑन कर देना है, सी पर क्लिक करना है और सब तीसरा का नंबर जो दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है, क्लिक करके इसको थोड़ा सा इसको रोटेट कर दीजिए और रोटेट करके आपको इस तरह से आपको कर देना, ठीक है। करने के बाद क्या करना आपको इसको बीच में कर देना है और बीच में करने के बाद क्या करना आपको यहाँ बैक आ जाना है और यहाँ से फिल्टर को थोड़ा सा अप्लाई कर देना, ठीक है। इस तरह से अप्लाई कर दिए, अप्लाई करने के बाद क्या करना आपको इसको हम इस जगह पर लगाएंगे, ठीक है। तो आपको इस जगह पर लगा देना है, देख लीजिए इस पर, देखिए यहाँ पर आपको लगा देना है इस तरह से, वीडियो को प्ले करके दिखाते हैं आपको तब समझ में, जैसे इस तरह से आपका बन जाएगा, ठीक है। जैसे ही हो जाएगा तो क्या करना आपको जैसे ही हो जाएगा तो क्या करना वीडियो को फिर से फर्स्ट में जाइए और यहाँ से लेयर क्लिक करिए, मीडिया आप क्लिक करिए और मीडिया आप क्लिक करने के बाद क्या करना आपको देखिए गर्ल वाला जो पीएनजी में जिसको सेलेक्ट कर लीजिए, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लिया, इसको थोड़ा सा साइज को छोटा कर दिया, छोटा करके हम इसको इस पोजिशन पर लगाएंगे, ठीक है। आपको भी इस पोजिशन पर कर देना है, उसका नीचे ना है क्रॉपिंग आगे क्लिक करना है, इसको थोड़ा सा क्रॉप कर देना, ठीक है। इस तरह से क्रॉप कर लीजिए, क्रॉप करने के बाद क्या करना आपको यहाँ से स्विच को ऑन कर देना है, ऑन करके फिल्टर को अप्लाई करना होगा, ठीक है। इस तरह से फिल्टर को हम अप्लाई करते हैं, अप्लाई करके यहाँ से क्या करना आपको ओके कर देना, ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद थोड़ा सा इसको साइज को थोड़ा और छोटा कर लीजिए, चलिए, और इसको हम इस जगह पर इस तरह से लगा देंगे, ठीक है। लगाने के बाद क्या करना आपको इसको पूरा लेयर को पूरा लास्ट तक कर दीजिए, लास्ट तक करना इसमें एनिमेशन डालना, जो कि एनिमेशन जाना है और यहाँ से आपको जो अच्छा एनिमेशन लगे वो एनिमेशन को डाल सकते हैं। यहाँ देखिए स्लाइड हम डाउन का ऑप्शन देखिए, इस पर क्लिक करिए और इसको 2.5 कर देना, ठीक है। इस तरह से 2.5 कर दीजिए, 2.5 करने के बाद क्या करना आपको सबसे फिर से वीडियो को फर्स्ट में आइए और उसका देखिए जो जो बॉर्डर वाला जो पीएनजी में इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ से 3 डॉट पर क्लिक करिए, इसको डुप्लीकेट कर लीजिए, ठीक है। इस तरह से डुप्लीकेट कर लेना, डुप्लीकेट करने के बाद क्या करना है क्रॉपिंग अगर क्लिक करना है और उसको आपको क्रॉप करना होगा, ठीक है। तो क्रॉप करने के लिए हम इसको फिर से बैक आते हैं, फिर से इस इमेज पर क्लिक करते हैं, इसको नीचे कर देते हैं थोड़ा सा, इसको हम क्रॉप करेंगे, ठीक है। तो आपको इसको क्रॉप अगर क्लिक करिए, इसको 20 से क्रॉप कर देना, ठीक है। 20 से क्रॉप करके स्विच को ऑन कर देना है, इसको फिल्टर को अप्लाई कर देना, ठीक है। इस तरह से फिल्टर को अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई करके ओके कर देना, ठीक है। ओके कर दीजिए, ओके करने के आपको इस पोजिशन पर ला के इसको हम इस तरह से फिक्स कर देंगे, ठीक है। आपको इस तरह से फिक्स कर देना है, फिक्स करके ओके कर देना, ठीक है। आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से बन चुका है, इस तरह से आपको कर देना है। करने होते हैं आप जो धुआं वाला जो इमेज वीडियो इसको अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करिएगा। अब देख लीजिए जैसे ही एडजस्ट हो वही हिसाब से आपको एडजस्ट करना है, ज़्यादा छोटा बड़ा नहीं रखना है, जो उसमें पोजीशन पर लगेगा वही पोजीशन पर आपको रखना है, ठीक है। इस तरह से कर दीजिएगा। करने बाद क्या करना आपको आपको इस पोजीशन पर भी आपको बनाना होगा, ठीक है। आपको देखिए इस पोजीशन पर भी बनाना है, तो इसके लिए आपको क्या करना आपको स्टेप बाय स्टेप ध्यान दिया। सबसे पहले क्या करना है जो जो इमेज है उसको सबसे नीचे वाला इमेज इसको सेलेक्ट करिए, यहाँ से 3 डॉट पर क्लिक करिए, इसको डुप्लीकेट कर लीजिए, ठीक है। डुप्लीकेट करके हम इसको इस पोजीशन पर ले आएंगे और यहाँ पर इसको इस तरह से एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करने क्या करना आपको जो धुआं वाला जो वीडियो इसको सेलेक्ट करेंगे, जो फायर वाला इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, इसको भी डुप्लीकेट कर लेंगे, ठीक है। डुप्लीकेट करके हम इसको भी इस जगह पर ले आएंगे और इसको इस तरह से आपको एडजस्ट कर देना। एडजस्ट करने क्या आपको लड़के इमेज उसको सेलेक्ट करिए, इसको भी 3 डॉट पर क्लिक करिए, इसको भी डुप्लीकेट कर लीजिए और डुप्लीकेट करके हम इसको भी इस पोजीशन पर लाएंगे, इसको इस जगह पर लगा देंगे, रख देंगे, इसको क्या करेंगे रोटेट कर देंगे, ठीक है। रोटेट करने के लिए आपको मोबाइल आइकन दिख रहा है आपको इस जगह पर, देख लीजिए मोबाइल का आइकन जो देखिए, इस पर क्लिक करिए और फर्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करके इसको हम रोटेट कर देंगे और रोटेट करके आपको अपने हिसाब से इसको
इसको एडजस्ट करके यहाँ पर बैठा देना। बैठाने के बाद क्या करना आपको, जो उसके पास जो सेकंड वाला जो 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 इमेज जिसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद क्या करना, इसको क्रॉप कर देना। ठीक है, पहले से क्रॉप वाला है, इस क्रॉप वाला को सेलेक्ट करिए, थ्री डॉट पर क्लिक करिए, उसको डुप्लीकेट कर लीजिए। डुप्लीकेट करके इसको भी हम इस जगह पर लगा देंगे। ठीक है, आपको भी इस तरह से लगा देना। लगाने के बाद क्या करना आपको, ओके कर देना। ठीक है, जैसे देखिए कितना बेहतरीन तरीके से इसमें बन चुका है, दोनों तरफ से इस तरह से बना देना। बनाने वाले क्या काम को सिर्फ इसी पोजिशन पर आना है, उसका यहाँ से लेयर क्लिक करना है और यहाँ से आपको मीडिया पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ से मीडिया पर क्लिक करते हैं और यहाँ देखिए जो देखिए कोकोनट का जो ट्रे पीएनजी में इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और इसको लेयर को पूरा लास्ट तक कर देंगे। ठीक है, आपको लास्ट तक कर देना, लास्ट तक करने के साथ के साथ थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, बड़ा करके हम इसको इस पोजीशन पर रखेंगे। ठीक है, तो आपको भी इस पोजीशन पर कर देना है। करने के बाद इसमें एनिमेशन डाला, जो कि एनिमेशन जाना है आपको, इसमें जो अच्छा एनिमेशन है वो एनिमेशन के यहाँ से डाल सकते हैं, आपको जो पसंद है वो एनिमेशन के यहाँ से डाल सकते हैं। हम देख लेते हैं कौन सा एनिमेशन थोड़ा अच्छा लगेगा, वही एनिमेशन का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ ड्रॉप पॉप का जो ऑप्शन देखिए, इस पर क्लिक करिए, इसको टू पॉइंट कर देना। ठीक है, इसे टू पॉइंट कर दीजिए। टू पॉइंट करने के बाद थ्री डॉट पर क्लिक करिए और यहाँ से इसको डुप्लीकेट कर लीजिए। ठीक है, डुप्लीकेट करके इसको हम रोटेट करते हैं। रोटेट करने के बाद आपको इसको इस पोजिशन पर लाना है और इसको हम इस जगह पर लगा देंगे। ठीक है, आपको भी इस तरह से लगा देना है। लगाने के बाद आपको ओके कर देना। ठीक है, ओके करने के बाद फिर इस पोजिशन पर आइए, आपको लेयर क्लिक करिए, मीडिया क्लिक करिए और उसका देखिए यहाँ पर जो ट्रे पीएनजी इसको सेलेक्ट करते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, डाउनलोड कर लीजिए। साइज को थोड़ा छोटा कर दीजिए, छोटा करके हम इसको इस पोजिशन पर रखेंगे। ठीक है, आपको इस तरह से कर देना है। करने बाद क्या करना आपको, लेयर को पूरा लास्ट तक कर दीजिए। लास्ट तक करने क्या आपको थ्री डॉट पर क्लिक करिए, यहाँ पे सॉरी यहाँ चाबी करने पर क्लिक करिए, इसको थोड़ा सा स्क्रॉप कर लेना है। स्क्रॉप करके प्लस करने पर क्लिक करिए और क्लिक करके इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट में इस तरह से खींच लेंगे। ठीक है, आपको इस तरह से खींच लेना है। खींचने बाद क्या करना आपको, फिर से इसी पोजिशन पर आ जाना है, यहाँ से लेयर क्लिक करिए, मीडिया क्लिक करिए, फिर से उसी ट्रे वाला पीएनजी में इसको सेलेक्ट करिए और लेयर को पूरा लास्ट तक कर देना है। लास्ट तक साइज को थोड़ा छोटा कर दीजिए, छोटा करके हम इसको इस पोजीशन पर रखेंगे। ठीक है, आपको भी यहाँ पर कर देना है। करने के बाद क्या करना है, वीडियो के फर्स्ट में जाइए, चाबी करने पर क्लिक कर लीजिए, क्लिक करके थोड़ा सा हम स्क्रॉप करेंगे। ठीक है, स्क्रॉप करके क्या करेंगे, यहाँ से प्लस करने पर क्लिक कर देंगे और फिर से इसको वीडियो को फर्स्ट में आके इसको अंदर के ओर ले जाएंगे। ठीक है, अंदर के आपको भी ले जाना है। ले जाने के बाद क्या करना, वीडियो को पूरा फर्स्ट में आ जाना। ठीक है, फर्स्ट में आइए, लेयर क्लिक करिए, मीडिया क्लिक करिए और मीडिया क्लिक करने के बाद क्या करना आपको, देखिए फ्लावर वाला जो पीएनजी इमेज इसको सेलेक्ट करिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डाउनलोड कर लीजिए। हम इसको इस पोजीशन पर रखेंगे। ठीक है, आपको इस पोजीशन पर रख देना है, लेयर को पूरा लास्ट तक कर दीजिए। ठीक है, लास्ट तक करने क्या करना आपको, थ्री डॉट पर क्लिक करिए, यहाँ से डुप्लीकेट कर लीजिए। डुप्लीकेट करके इसको हम क्या करेंगे, रोटेट कर देंगे। ठीक है, तो आपको भी रोटेट कर देना है। रोटेट करके हम इसको इस यहाँ पर लगा देंगे, दोनों साइड से इसको लगा देते हैं। लगाने में देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से इसमें लग चुका है। ठीक है, लगाने में क्या करना, ओके कर देना। ओके करने क्या आपको, फिर से आपको इस पोजिशन पर आना है। आपको देख लीजिए यहाँ पर आ जाइएगा, आपको 10 सेकंड पर आ जाना है, लेयर क्लिक करिए, मीडिया क्लिक करिए और यहाँ देखिए सिंगल फ्लावर जो पीएनजी में इसको सेलेक्ट करेंगे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, डाउनलोड कर लीजिए। इसको पूरा साइज को छोटा कर देना। ठीक है, छोटा करने क्या आपको, इसको छोटा करने के कारण आपको इस जगह पर ले आना है और यहाँ पे इसको लगा देना। लगाने के कारण आपको ओवर एनिमेशन जाना है और फ्लडिंग ऑप्शन इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर दीजिए, क्लिक करना, इसको थ्री डॉट पर क्लिक कर इसको डुप्लीकेट कर लेना। डुप्लीकेट करके क्या करेंगे, इसको हम इस पोजीशन पर लाएंगे, दोनों साइड से इसको लगा देंगे। ठीक है, आपको भी इस तरह से लगा देना है। लगा के यहाँ से ओके कर दिए। ठीक है, ओके करने के बाद क्या करना आपको, वीडियो को अब स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखना होगा। अभी एप का जो स्टेप होगा ये आपको इंपॉर्टेंट वीडियो को बनाएगा बेहतरीन तरीका से। ठीक है, अब इसको क्या करना है, वीडियो को पूरा फर्स्ट में जाइए, फर्स्ट में आइए, उसके बाद देखिए एडियो का ऑप्शन देखिए, इस पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के आपको यहाँ से एल्बम बजाना है, एल्बम में जाइए। एल्बम में जाने के बाद क्या आपको नीचे ना है और यहाँ देखिए डाउनलोडिंग में जाते हैं, हम डाउनलोड किए हुए पहले से एडियो को, तो आपको भी एडियो को यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन डाल देंगे इसी एडियो का, आप वहाँ से डाउनलोड करके आप यूज कर सकते। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं मेरे पास एडियो है, यहाँ देखिए फर्स्ट में देखिए आपको एडियो दिख जाएगा। ठीक है, अब देख सकते कितना बेहतरीन तरीके से एडियो है। तो आपको क्या करना, आपको यहाँ से प्लस का कैन पर क्लिक करेगा इस जगह पर, तो एडियो आपको ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से प्लस का कैन पर हम क्लिक करते हैं, क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना। ओके कर दे, आपको देखिए एडियो इस जगह पर ऐड हो जाएगा। ठीक, ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना आपको, स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखना है। ठीक है, अब क्या करना आपको, इस पोजिशन पर आ जाना है और यहाँ से आपको देखिए इसको लेयर को पूरा बढ़ा देना। ठीक है, बढ़ा दीजिएगा तो क्या होगा, आपका एडियो में देखिए बीट दिखने लगेगा। ठीक है, तो आपको बीट के हिसाब से आपको काम करना। ठीक है, तो बीट के हिसाब से काम करना, देखिए फर्स्ट बीट यहाँ दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दिए, यहाँ पर इसके मतलब लाइनिंग को इसके इस पोजिशन पर लाना है और उसका सबसे ऊपर जो जो बैकग्राउंड इमेज सेलेक्ट उस इमेज को सेलेक्ट करना। ठीक है, सेलेक्ट करके आपको देखिए कैंची का आइकन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करिए और यहाँ देखिए तीसरा नंबर जो ऑप्शन दिख रहा है, स्प्लाइट का ऑप्शन दिख रहा है प्ले हेड का, इस पर आपको क्लिक करना। ठीक है, आपको इससे कट कर देना, आपको नीचे आना है, फिर उसका देखिए उसके नीचे आना है, देखिए जहाँ जहाँ आपका देखिए जो दिखेगा लाइनिंग उसके सामने ला के उसको इस तरह से कट कर दे देना। ठीक है, अब देख लीजिए ध्यान से, आपको इस तरह से बहुत लंबा हो जाए। ठीक है, तो हम इसको फिर से बैक आ जाते हैं, फिर से इस इमेज को सेलेक्ट करते हैं, कैची कार्ड पर क्लिक करते हैं और फिर से हम नीचे आते हैं। ठीक है, जहाँ ऑडियो है ऑडियो के सामने जहाँ जहाँ बीट रहेगा बीट के हिसाब से आपको यहाँ से कट करना होगा। ठीक है, अब देख लीजिए जहाँ जहाँ जो बीट होगा बीट के हिसाब से आपको इस जगह पर कट
सॉरी हमको ऊपर वाला ही इसको क्लिक करना था, हम नीचे वाला क्लिक करते इसलिए गड़बड़ा जाता है। ठीक है, आपको फिर से इमेज पर सेलेक्ट करिए, पेंचिंग आइकन क्लिक करिए, जो इस आइकन पर क्लिक करना है। ठीक है, इस तरह से करने के बाद आपको फिर से हम नीचे आ देते हैं और फिर से हम इसको इस तरह से यहाँ से कट कर देंगे। ठीक है, आपको इस तरह से कट कर देना, जितना सारा इसमें बीट दिखेगा तो बीट के सामने आपको कट करना होगा। ठीक है, तभी जाकर ये अच्छी तरीके से परफेक्ट तरीके से काम होगा। ठीक है, तो हम देख लीजिए आपको इतना करके दिखा दिए, आपको इस तरह से आपको पूरा कर लेना। ठीक है, पूरा करने के क्या आपको, और इसमें एक और बात को ध्यान रखना। ठीक है, इसको इसमें क्या कहें आपको एनिमेशन लगाना, एनिमेशन लगाने से पहले आपको एक पॉइंट और बताते हैं, पहले हम वीडियो को प्ले करते हैं। ठीक है, यहाँ से वीडियो को प्ले करते हैं। देखिए इस जगह देखिए आपको दूसरा साउंड, मतलब जो म्यूजिक का साउंड होता है, देखिए यहाँ देखिए अलग, देखिए इस जगह पर अलग साउंड दिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे आपको देखिए यहाँ पर अलग साउंड है, इस म्यूजिक के सामने क्या करना आपको, इस जहाँ पर क्या करना आपको, देखिए जो रेड कलर का जो दिख रहा है लाइनिंग, लाइनिंग के सामने यहाँ पर उसको क्लिक कर दिए, क्लिक करिए, देखा आपको कलर मतलब चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब सेम प्रोसेस आपको देखिए अगला देखा जो म्यूजिक होगा उस जगह करना। ठीक है, देखिए इस जगह म्यूजिक जो म्यूजिक इस जगह दिख रहा है। ठीक है, इसको यहाँ से हम क्लिक कर देंगे, फिर से वीडियो को प्ले करेंगे। देखिए उसके बाद इस जगह पर आपको म्यूजिक दिख रहा था, आपको इस तरह से पूरा म्यूजिक जहाँ तक म्यूजिक रहेगा उसके हिसाब से आपको इस जगह पर आपको क्लिक कर करके आपको इसको मतलब जो कलर इस तरह से कर देना। ठीक है, करने के बाद आपको वीडियो को फर्स्ट में जाइए, उसका यहाँ जो बैकग्राउंड इमेज इसको सेलेक्ट करिए, इसमें एक इफेक्ट डालना, इफेक्ट डालने के लिए यहाँ क्लिप पर आपको क्लिक करना। ठीक है, क्लिप पर हम क्लिक करते हैं, इसमें देखिए आपको देखिए इन एनिमेशन का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना, ये एनिमेशन में आपको 36 नंबर का ऑप्शन एनिमेशन देखेगा। ठीक है, तो 36 नंबर का आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ 36 नंबर देखिए, इस पर हम क्लिक करते हैं, क्लिक करके यहाँ से जितना सारा जो जितना सारा इसमें बैकग्राउंड कट करेंगे उसमें 36 नंबर का ही यूज करना है। ठीक है, और किस जगह पर नहीं करना आपको हम बता देते हैं, उसके यहाँ से 36 नंबर सेलेक्ट करते हैं, उसका इसमें सेलेक्ट करते हैं, और उसका हम इस तरह से आपको पूरा जितना कट करेगा सब में 36 नंबर का ही ऐड होगा। ठीक है, इस तरह से कर देते हैं, आपको एक पॉइंट तक आपको बता देते हैं, उसके बाद पूरा वीडियो में आप इस तरह से अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से 36 नंबर को इसको अप्लाई करते हैं, अप्लाई करना देखिए इस जगह पर ध्यान देखिए, जैसे ही बिंदु के सामने आइएगा, देखिए बिंदु के सामने आइएगा तो आपको दो पार्ट में इसको इस अप्लाई नहीं करना है, इस फिल्टर को अप्लाई नहीं करना। ठीक है, आप उसका इस पार्ट से शुरू करिएगा, यहाँ से आपको फिर से अप्लाई करना चालू कर देना। ठीक है, तो इस दो पार्ट को हम छोड़ देंगे, उसका इस पार्ट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे, एनिमेशन में जाएंगे और यहाँ से फिर 36 नंबर को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से कर लेना है, इस तरह से जैसे ही करिएगा देखिए उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर जो बिंदु के सामने आइएगा तो इस जगह पर भी आपको यहाँ पर दो एनिमेशन का छोड़ दीजिएगा, उसके बाद करिएगा। ठीक है, आपको फिर से फर्स्ट में आते हैं, आपको इस जगह पर दूसरा एनिमेशन लगाना होगा। दूसरा एनिमेशन कौन सा आपको दिखाता है, आपको यहाँ से लेयर क्लिक करिए, मीडिया पर क्लिक करिए और यहाँ से देखिए बैकग्राउंड जो वीडियो होता है इसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा, डाउनलोड कर लीजिए। इसको क्या करना आपको स्क्रीन को फुल कर देना है, यहाँ पर क्लिक करिए, स्क्रीन को इस तरह से फुल कर देना है। फुल करने के आपको देखिए दो यहाँ ध्यान से देख लीजिए, आपको देखिए इसमें दो में एक इफेक्ट नहीं लगा। ठीक है, आपको जो सेकेंड वाला इस पर सेलेक्ट करिए, सेकंड वाला को सेलेक्ट कर लीजिए, उसको लास्ट में आ जाना। ठीक है, लास्ट में आ जाइए और जो वीडियो जो सेलेक्ट किए थे उस वीडियो क्या करना है, कट करना होगा। ठीक है, इस वीडियो को यहाँ सेलेक्ट करते हैं, एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से कैंची आइकन क्लिक कर ट्रिम टू राइट कर देते हैं। ठीक है, राइट कर देंगे, राइट करने के इस वीडियो को सेलेक्ट कर लीजिए, थ्री डॉट पर क्लिक करिए, इसको सेंड टू बैक कर देना। ठीक है, इस देखिए यही पॉइंट सबको आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, यहाँ से सेंड टू बैक कर देना, बैक कर दीजिए, बैक करने क्या करना आपको फिर से इसी वीडियो को सेलेक्ट करिए और यहाँ से क्या करना आपको थ्री डॉट पर क्लिक करिए और क्लिक करके आपको क्या करना आपको डुप्लीकेट कर लेना। ठीक है, डुप्लीकेट कर लीजिए और जो डुप्लीकेट करिएगा उसको क्या करना, उसको खींच कर हम जहाँ पर लाइनिंग लगाए थे जहाँ ब्लू कलर का, इस लाइनिंग के सामने ले आना। ठीक है, ध्यान देख लीजिए जहाँ पर लाइनिंग लगा है इसके सामने ले आना, फिर से इस वीडियो पर क्लिक करिए, थ्री डॉट पर क्लिक करिए, सेंड टू बैक कर देना, बैक कर दीजिए, बैक करने के आपको फिर से थ्री डॉट पर क्लिक करिए और उसके बाद डुप्लीकेट कर लीजिए, डुप्लीकेट करके फिर से जहाँ पर जो लाइनिंग ब्लू कलर लगाए थे उस लाइनिंग पर आपको ले आना। ठीक है, इस तरह लाइनिंग पर ले आना है और ला के फिर इसको थ्री डॉट पर क्लिक करिए, इसको सेंड टू बैक कर देना। ठीक है, इसे बैक कर दीजिए, तभी आपको समझ में आएगा, इसको हम वीडियो को प्ले करते हैं तब आपको समझ में आएगा किस तरह से वीडियो बनाए। ठीक है, तो यहाँ से वीडियो को हम प्ले कर लेते हैं, इस तरह से वीडियो को प्ले करते हैं, आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से वीडियो बन चुका है। वीडियो अच्छा था, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑल दिया जाए ताकि इस तरह के वीडियो हम डालते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो अगले ट्यूटोरियल के साथ, धन्यवाद।